नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। एक ऐसा किला जो कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए था, एक ऐसा महल जिसकी खूबसूरती की चर्चा कोसों दूर हुआ करती थी, लेकिन वक्त के सितम ने किले को निगल लिया। महल की खूबसूरती खत्म हो गई, धरती में किला दफन हो गया, पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन 400 साल बाद खोए हुए किले की खोज एक बार फिर से शुरू हो गई है। आर्कियोलॉजिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसे किले की खोज कर रहा है जो रहस्यमयी है। ये रिपोर्ट देखिए। धरती के नीचे ये खुफिया महल है, एक ऐसा महल जो 400 साल पुराने इतिहास को समेटे जमीन में समा गया। और अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस खुफिया महल को बड़े करीने से खुदाई कर रहा है। ताकि 400 साल पुराने दुर्ग को दुनिया देख और समझ सके। हमारी टीम इस खुफिया महल के एक एक रहस्य से आज पर्दा उठाने पहुंची है। ये धरती है गुमला के नौरतनगढ़ की, जहां जब खुदाई होती है तो सीधे इतिहास निकलता है। हम इस समय मौजूद हैं नागवंशी राजा, जो 45वें राजा थे दुर्जन साल। आप उनका महल देख सकते हैं, सामने नजर आ रहा होगा आपको। वो महल जो है 400 साल पहले बना था, और उस महल के चारों तरफ जिस तरह किले बनाए गए हैं, समय के साथ जो महल बनाए गए थे, महल के छोटे छोटे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अवशेष भी देख पा रहे होंगे, वो समय के साथ खत्म हो गए। लेकिन जो किले जमीन के नीचे दफन हो गए, हम उन किलों में प्रवेश करने जा रहे हैं जो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी खुदाई में निकाला है। हम सीधे प्रवेश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर में क्या है। रांची से करीब 75 किलोमीटर दूर ये गुमला का नवरतनगढ़ किला है, जो दशकों से धरती में समाया हुआ है। यहाँ नागवंशी काल का इतिहास पिछले 400 सालों से खामोश और जमीन के नीचे दफन पड़ा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब इसे दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी सावधानी से किले की खुदाई की जा रही है। जब आप प्रवेश करते हैं तो सीधे किले के अंदर प्रवेश करने के बाद क्या है कि यहाँ पर कई रास्ते बनाए गए हैं, क्योंकि ये काफी एक तरीके से जान लीजिए कि इतनी सावधानी से यहाँ पर खुदाई की जा रही है कि जो नीचे में यहाँ पर जो किला दबा है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। इसे आप चाहे तो पुराने जमाने में जिसे किला कहते थे, लेकिन आज के जमाने में समझिए कि जिसे लोग कहते हैं कि घर में जब कोई व्यक्ति आता है तो सीधे बेडरूम में नहीं पहुंच पाता, उसी तरीके से उस समय में जब महल था तो महल में सीधे कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, तो उनके ठहराने के लिए यही व्यवस्था की जाती थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाजों में एक हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन संत को, यहाँ कैमरा संत यहाँ दिखलाइए, ये देख रहे कि एक इसी में एक दरवाजा है, और दरवाजे में किस तरीके से खुदाई की गई है देखिए। ये सीधे दरवाजे में घुसने के बाद एक कमरा निकलता है, आपको उस कमरे की भी हम तस्वीर दिखाएंगे कि वहां पर जाने के बाद आपको क्या कुछ नजर आता है। लेकिन देख लीजिए कि जब आप इसकी दीवारों को देखेंगे, 400 साल पहले जब महल बनाया जाता था, किले बनाए जाते थे, तो उन किलों को किस तरीके से मजबूती से खड़ा किया जाता था, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर आज के समय में जो पक्के ईंटे होते हैं, वो समझ को चूर करके उसमें चूना मिलाया जाता था, उसको जो मिश्रण होता था उस समय सीमेंट का काम करता था। दरअसल 27 सितंबर 2019 को गुमला के नवरतनगढ़ को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर घोषित किया था, जिसके बाद 15 दिसंबर 2021 को यहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से खुदाई शुरू कर दी गई। और खुदाई के बाद जो हकीकत सामने आ रही है वो बेहद ही ऐतिहासिक है।
इतिहास गवाह है कि नागवंश के 45वें राजा दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर की कैद से छूटने के बाद नवरत्नगढ़ को बसाया था। महल के चारों तरफ जो किला बना है, समझ लीजिए कि उस समय में जब यहाँ पर जो लोग आते थे राजा से मिलने के लिए, दुर्जन साल से मिलने के लिए, दुर्जन साल के बारे में जानकारी आपको दे दे कि हीरे के बहुत बड़े पारखी थे और उस समय दिल्ली के तख्त पर जहांगीर का शासन था और उस समय दुर्जन साल को कैद कर लिया गया था। कैद करने के बाद जो है उन्हें लंबे समय तक अपने पास कैद रखा गया, लेकिन जिस दिन जहांगीर को यह मालूम चला कि दुर्जन साल हीरे के पारखी हैं तो उन्होंने कोई सजा नहीं दी बल्कि अपने पास रखा और बाद में उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद दुर्जन साल ने यहां पर आकर के जहां की रांची के बेड़ों से लेकर के पूरे गुमला में जो उनका इलाका था वहां आकर के उन्होंने किला बनाया ताकि उनकी सेना, उनकी संपत्ति। दुर्जन साल का शासनकाल 1606 से 1630 तक माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक 1608 में टैक्स नहीं देने के कारण जहांगीर की सेना ने दुर्जन साल को कैद कर लिया था, लेकिन हीरो के पारखी राजा दुर्जन को जहांगीर ने बड़ी इज्जत के साथ अपने पास रखा और 12 साल की कैद के बाद 1620 में छोड़ दिया, जिसके बाद राजा दुर्जन साल ने गुमला के सिसई प्रखंड के नवरत्नगढ़ को अपना ठिकाना बनाया और अपने शौर्य और अपनी सेना को दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश की। ये किला उसी की निशानी है। आपको दिखलाना चाहते हैं कि जो महल के नीचे जो किला है वो प्रवेश द्वार को तो हमने आपको दिखा दिया, और प्रवेश द्वार कहाँ निकलता है देखिएगा, जब आप जाएंगे तो हर प्रवेश द्वार में इस तरह के कमरे हैं, देख लीजिएगा कि हर प्रवेश, यहां भी एक प्रवेश द्वार है, आपने देखा कि प्रवेश द्वार के बाद इसको जिसके मिट्टी के भी पूरी हटाया जाएगा, जब इस मिट्टी को सावधानी से हटाया जाएगा तो सीधे एक प्रवेश द्वार से रास्ता इस कमरे में आएगा, और इस कमरे में आने के बाद यहाँ पर पीछे में बाथरूम भी है कि जो भी यहाँ पर रहने के लिए लोग यहाँ पर आते थे, ठहरते थे, तो बाकायदा उनकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। और आप देखिए इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि एक दूसरा कमरा है, जैसे जैसे हर प्रवेश द्वार के बाद, बाबा साहब इधर आ जाइए, हर प्रवेश द्वार के बाद एक एक कमरा आता जा रहा है, हर कमरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और आप यहाँ देखिए, यहाँ भी खुदाई हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने दूसरे कमरे में प्रवेश किया तो ये कमरा जाकर दूसरे कमरे में जाकर मिल जाएगा। आप देखिए इसके एक निशान संत यहाँ दिख लाइए, यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ से प्रवेश द्वार साफ इससे नजर आ रहा होगा, ये मिट्टी अभी हटाई जाएगी, हटाने के बाद एक पूरा किला जिसको आप ग्रामीण समय में, अगर ग्रामीण भाषा में कहें तो एक तरीके का दालान समझ लीजिए उस समय में, कि जब भी कोई लोग आते थे राजा से मिलने के लिए तो सीधे उन लोगों को ही ठहराया जाता था। महल के चारों तरफ इसी तरीके के आपको मिल जाएंगे। बाबा ये बताइए कि यहाँ पर ये समझिए, ये जो है जी, ये जो है ये कोई उस समय का किचन रूम होगा, क्योंकि यहाँ खुदाई में अभी राख जी जो जला हुआ राख यहाँ, अच्छा ऐसा भी है कुछ दिया जो दिया जलाया जाता है रोशनी के लिए, शायद उस समय रोशनी के लिए, जिसको हम लोग ढीबरी भी कहते हैं, ढीबरी कहते हैं, वो मिट्टी का दिया। अभी इस महल और किले की खुदाई जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें राजा और रानी के दो महल हैं, वहीं 50 से ज्यादा मंदिर होने की भी बात कही जा रही है। इस किले में किचन से लेकर बैठकी रूम या दरबार के भी पुख्ता सबूत मिले हैं। जैसे यहाँ पीछे जाएंगे तो यहाँ पर भी खुदाई चल रही है और यहाँ पर जस्ट दरवाजा, कमरा और एक बड़ा सा हॉल है, शायद यहाँ पर लोग क्या यहाँ पर बैठते होंगे, यहाँ पर हॉल ये हॉल है, यहाँ पर माने बैठते होंगे, बैठ करके अपना सलाह मशविरा विचार वगैरह करते होंगे, इसका ये इतना बड़ा चौहद्दी है कि जिस तरीके से यहाँ पर खुदाई चल रही है, पीछे आपको बाथरूम भी नजर आ रहा होगा जहाँ पे खुदाई जा रही है, हमें इसको लांग कर जाना होगा क्योंकि इसका प्रवेश जो रास्ता है वो दूसरी तरीके से है, और लगातार यहाँ पर चूंकि चारों तरफ महल के चारों तरफ खुदाई चल रही है, जो अवशेष जमीन के ऊपर नजर आ रहे हैं वही धरती के नीचे की कहानी भी बता रहे हैं कि हमारे नीचे क्या है, नवरत्नगढ़ की कहानी, नागवंशियों का इतिहास। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 गुमला।
गुमला जिला के सिसई प्रखंड में नवरत्नगढ़ का ये किला है। ये नागवंशियों की एक अमिट धरोहर है जिसकी स्थापना नागवंशी राजा दुर्जनसाल ने की थी। राजा दुर्जनसाल एक ऐसी जगह की तलाश में थे जो बेहद ही सुरक्षित हो। नवरत्नगढ़ सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही मुफीद ठिकाना था क्योंकि इस किले के तीन ओर पहाड़ जबकि एक ओर गहरी खाई थी। पुरातत्व विभाग अतीत को फिर से सामने लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हीरो के पार्क ही राजा दुर्जनसाल प्रकृति को काफी करीब से समझते थे। वे जानते थे कि मुगलों का हमला कभी भी हो सकता है, लिहाजा रांची, लोहरदगा और गुमला के कई इलाकों में फैले राजपाट को राजा दुर्जनसाल ने नवरत्नगढ़ के करीब 3 किलोमीटर के इलाके में समेट दिया। ये इलाका 3 तरफ से पहाड़ और 1 तरफ से गहरी खाई से सुरक्षित था। पहाड़ों के ऊपर सैनिकों का पहरा होता जिसे मठ के तौर पर बनाया गया था। गुमला के नवरत्नगढ़ में आप जितने कदम बढ़ाएंगे कहानी उतनी ही बढ़ती जाएगी। आप सबसे पहले ये समझिए कि नवरत्नगढ़ का इतिहास कैसे है और सबसे पहले यहाँ जो महल बनाया गया यहाँ पर ही क्यों बनाया गया। आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से जब राजा दुर्जनसाल ने यहाँ महल बनाना शुरू किया तो आप देखिए कि ये पूरा इलाका जो है 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। उन पहाड़ों पर राजा के सैनिक तैनात होते थे और एक तरफ का जो इलाका है वो पूरी तरीके से खाई है, मतलब उस समय खाई में पानी भरी होती थी और पानी जब भरा होता था तो कश्ती पर राजा के सैनिक जो हैं वो सुरक्षा देते थे, मतलब कि 3 तरफ से पहाड़ होने का लाभ मिलता था। और बीचों बीच में आप ये देख रहे हैं कि ये महल है, यही एकमात्र महल है यहाँ पर और इसी महल में राजा रहते थे। और इसके चारों तरफ मतलब 3 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पर आपको किले हैं, जो किले जमीन के अंदर से निकल रहे हैं जहाँ राजा के जो गेस्ट होते थे या सैनिकों की वहाँ तैनाती होती थी। और एकमात्र यही महल है। देखिए यहाँ पर जितने भी पहाड़ आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर में एक बना हुआ पॉकेट बना हुआ है। पॉकेट का मतलब जहाँ सैनिक रहते थे, क्या बोलते थे बाबा उस समय उसको, मठ कहते थे मठ। वो हाँ ये पंच द्वार पंच मठ है, ये पंच मठ है और एक इस तरफ है जो दक्षिण की ओर, वो रक्षा के लिए वहाँ वॉचमैन रहते, वो जोगी मठ के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप जान लीजिए कि आमतौर पर जो महल होता है वो महल बिल्कुल बीचों बीच बनाया जाता है, लेकिन राजा दुर्जनसाल ने अपने महल को बिल्कुल पहाड़ से सटे हुए बनाया क्योंकि उनको लगता था कि हमारा महल जो है पहाड़ से सटा हुआ है 3 तरफ से तो सुरक्षित है और एक तरफ का जो इलाका है वो पूरा खाई का इलाका है। नवरत्नगढ़ का ये जो महल देख रहे हैं ये 5 मंजिला है, 4 मंजिल जमीन के ऊपर है लेकिन महल का निचला हिस्सा जमीन में दबा हुआ है जिसे बड़ी सावधानी से खोदकर निकाला जा रहा है। अब हम आ चुके हैं राजा दुर्जनसाल के महल में। इस महल में प्रवेश करने के कुल 6 रास्ते हैं। 3 रास्ते पूर्व की ओर हैं, 3 रास्ते उत्तर की ओर हैं, दक्षिण और पश्चिम में कोई रास्ता नहीं है क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ हैं, जो कि सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया गया था। और एक जान लीजिए कि इस महल में 5 मंजिली इमारत ये महल है और 5 मंजिली इस महल में हर फ्लोर पर 9 कमरे हैं और 5 मंजिला है यानी 9×5=45, इसीलिए इसका नाम नवरत्नगढ़ पड़ा। और इसी गढ़ को यहाँ पर आपको हम अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे, दिखलाएंगे। इस महल के ऊपर में हम जैसे सबसे पहले आए तो यहाँ पर एक कमरा है, इस कमरे के बाद हम दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको और भी जो नज़ारा दिखेगा एक भव्यता के साथ दिखेगा कि हम जब ऐसे प्रवेश करते, इसके नीचे भी एक फ्लोर है, हम लोग इस समय 2nd फ्लोर पर हैं, 2रे तल्ले पर हैं, दूसरे तल्ले की छत हम आपको दिखलाते हैं। आप ऊपर में देख पा रहे होंगे कि लकड़ी का जो पिलर जो बीम जो इस्तेमाल किया जाता है छत में वो लकड़ी का बोटा है, वो लकड़ी के बोटे के ऊपर में ही पूरी ढलाई की गई है मजबूती के लिहाज से। राजा के महल के ठीक सामने रानी का महल है। दोनों महल के बीच में ये एक बड़ा तालाब हुआ करता था जो उस समय की खूबसूरती को आज भी बयां कर रहा है। लेकिन आज भी यह सवाल लोगों के मन में बार बार उठ रहा है कि आखिर राजा और रानी का महल अलग अलग क्यों था। इतिहास को जानने और समझने वाले लोग मानते हैं कि मुगलों का वह दौर आक्रमण से भरा था,
लिहाजा राजा का सेहतमंद होना और एक बेहतर सैनिक के तौर पर खुद को कुशल बनाए रखना बेहद जरूरी था। इसलिए हथियारों के साथ लगातार अभ्यास करने की वजह से राजा का ज्यादातर समय रानी के बजाय अपने सिपह सालारों के साथ ही गुजरता था। राजा के महल के बाद अब हम आ चुके हैं रानी के महल के पास, और हम अपने हमने दिखलाया था आपको कि वहां पर आप देख पा रहे हैं राजा का महल, रानी के महल के ठीक बीच में एक तालाब है। ये तालाब उस समय में ढेर सारे हंस, कई सारे कमल की खूबसूरती के साथ भरा होता था। राजा रानी एक साथ इन तालाब का दीदार करते थे, शाम का नज़ारा होता था बेहद खूबसूरत। लोग बताते हैं कि तालाब उस समय इसकी खूबसूरती जो है तालाब की देखते ही बनती है। हम आपको दिखलाते हैं रानी के महल की ओर चलते हैं, दिखलाते हैं कि रानी का महल यहाँ पर है तो ज़रूरत क्यों पड़ी राजा और रानी के अलग अलग महल की। हम आपको दिखलाते हैं कि पहले से प्राचीन समय से ही ये राजा शारीरिक शक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए और स्त्री के साथ उनका संबंध अधिक से अधिक न हो सके, इसलिए राजा और रानी का अलग अलग महल। रानी के महल में सुख सुविधा के सारे इंतजाम थे, यहाँ तक कि पीने के लिए अलग से कुआं था ताकि किसी भी हाल में रानी को बाहर आने की जरूरत न पड़े। यहाँ पर एक रानी के लिए कुआं था, ये ऐसा कुआं था उस समय में, अभी आज ये कुआं जो नजर आ रहा भले से पानी ना हो, लेकिन ये कहते हैं कि ये कुआं जो वास्तव में क्या उस समय सिर्फ इसमें रानी ही पानी पीती थी क्या? रानी और यहाँ के जो भी मतलब दासियां उनकी जो सेवक होती थी उनके लिए विशेष पीने का अलग से व्यवस्था इस रानी महल के कैंपस में होता था। कुल मिलाकर जो है ये महल का जो इतिहास है बेहद ही रोमांचक है, और इस महल के इतिहास में बहुत कुछ है। राजा का महल है, रानी का महल है, तालाब है, मंदिर है, सब कुछ है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 गुमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।